श्री राम। हम जैसे जड़ जीवों में से काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार कैसे दूर हों और श्री राम के श्री चरणों में प्रेम कैसे हो, इसे समझाने की कृपा करें। आपके श्री चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम जब हम अपने आप को जड़ जीव मान लेते हैं, ये जो भ्रांत धारणा है, एक गलत धारणा है, इसी का नाम है मोह। हम जड़ नहीं हैं। हम अगर जड़ होते तो आप तो सब जानते हैं, वृक्ष वनस्पतियां उनमें भी थोड़ी जड़ता है, पत्थर इत्यादि को हमने अधिक जड़ के रूप में देखा है। वैसे तो सारी सृष्टि जो है चिन्मय है, चेतन है, क्योंकि परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। परमात्मा सार्वभौम अस्तित्व में विभू रूप में व्यापक है, और सही अर्थों में कहा जाए तो परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने इस बात को हृदय से स्वीकार किया है। राम सत्यम परम ब्रह्म, रामात किंचिन न विद्यते तस्मात राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यम इदम जगत। समाज में दो प्रकार की भ्रांत धारणाओं ने समाज को दुखाले बना दिया। इस जीवन को दुखमय बना दिया। एक धारणा यह है जगत मिथ्या है। जगत को मिथ्या कहने वाले लोगों ने समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा अन्याय किया। जगत मिथ्या कैसे है? जगत किसकी कृति है? जगत परमात्मा की कृति है, परमात्मा ने बनाया है। हम और आपने नहीं बनाया जगत। अगर हम और आप जगत को बनाने वाले होते तो पता नहीं कैसी रचना होती। हाँ, वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना जो जगत बना रहा है उसका जगत वो दुखालय है। परमात्मा की जो कृति है वो दुखालय नहीं है। जिस जड़ जगत को हम बनाते हैं, हमारी जड़ता उसमें आरोपित होती है, उसमें हमारी अहमता ममता जुड़ती है, वो जगत दुखालय है। आप सब अपने व्यावहारिक जीवन में कहते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए, जवान बच्चा जिस पे पूरा हमारा जीवन टिका हुआ था, जिसके लिए हमने पूरा सब कार्य किया था, और वो असमय में सीताराम हो जाए, अर्थात देहावसान हो जाए उसका। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं हमारा तो संसार उजड़ गया, हमारा तो संसार उजड़ गया। जिसके प्रति हमारा बहुत लगाव है, किसी का धन में बहुत लगाव है और किसी कारणवश उसका धन वैभव ऐश्वर्य संपदा नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार से हो सकती है, प्रकृति को क्षण मात्र नहीं लगता, बड़े बड़े विशाल भवन जो हैं, हम कल देख रहे थे टीवी पे, कुछ क्षणों पूर्व एक जो बहुत बढ़िया
भवन बना हुआ था, बुलडोजरों से उसको गिरा दिया गया। क्या है ये सब? हम जिसको कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर भवन है, बहुत संपदा है, ऐश्वर्य है, ये सब क्षण भंगुर है, सब क्षण भंगुर है, सब मिट जाने वाले हैं, कोई स्थिर रहने वाला नहीं, कोई स्थिर नहीं। तो कहा जाता है एक संत के पास एक राजा पहुंचा, राजा ने निवेदन किया कि महाराज मैं देख रहा हूं आपके पास किसी प्रकार की कोई संपदा नहीं है, आप एक भोज पत्र का कोपिन लगाए हुए और वस्त्र के नाम पे दिगंबर हैं, दिशाही अंबर है दिगंबर, और इतना शीत वातावरण, बहुत ठंडा वातावरण, हिमालय की घटना, हिमालय में एक संत वैष्णवदास जी रहा करते थे, पहले वो उत्तरकाशी में थे, उत्तरकाशी के बाद गंगोत्री पहुंचे, गंगोत्री के बाद गौमुख पहुंचे, और गौमुख के बाद तपोवन, जहां की वृक्ष वनस्पति कुछ नहीं। ऐसे स्थान पे वो महात्मा जो है आह्लादित प्रसन्नचित, राजा के मन में प्रश्न हुआ कि मेरे पास इतनी संपदा है, वैभव है, और मैं इतना प्रसन्न नहीं रह पाता, जीवन में अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, और ये मस्त संत प्रसन्नचित है, इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, आहार में भी वो अन आहार नहीं लेते थे, वहां का टेम्परेचर वैसे आजकल इस मौसम में लगभग 0 डिग्री के आसपास सेंटीग्रेड, और शीतकाल में तो बहुत अधिक -30 तक टेम्परेचर गिर जाता। नवरात्र के समय बहता हुआ पानी ऊपर से जम जाता है, मतलब काफी ठंडा पाता है, और वो निवस्त्र प्रसन्नचित। एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है, ये इतने प्रसन्न क्यों हैं और कैसे हैं? उसने निवेदन किया कि महाराज मेरे को भी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मैं प्रसन्न रह सकूं, मेरे जीवन में जब कभी संकट आए तो वो मंत्र मेरी रक्षा कर सके, रक्षा कर सके, ऐसा कोई मंत्र हमें दे दीजिए। महात्मा ने कहा लाओ कागज पेन कलम लाओ, लिखा और इसको फोल्ड करके मोड़ के एक ताबीज में भर के कहा के लो इसको गले में धारण कर, जब कभी कोई ऐसा संकट आए जिसमें तुमको लगे कि इससे उबरना संभव नहीं, संभव नहीं, ऐसे कठिन समय में इस मंत्र को तुम खोल के देख लेना, बड़ी कृपा। साष्टांग प्रणाम किया, अपने राज में आ गया। समय बीतता गया बीतता गया, अचानक किसी दूसरे राष्ट्र ने उसके राज पे
आक्रमण कर दिया। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राजा अपनी सेना के साथ संघर्ष करते करते राजा मूर्छित हो गया। इतने आघात लगे विपक्ष से दूसरे राजा के द्वारा, राजा मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तो उसका जो सारथी है उसने सोचा कि राजा के प्राण बचाने चाहिए। वो रणभूमि से रथ को लेके वन की ओर दौड़ा। जिस राजा ने आक्रमण किया है वो उस राज पे अधिकार कर ले परंतु राजा के प्राण बच जाए। परंतु वो जो राजा था जिसने आक्रमण किया था उसने कहा कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर ये बच जाएगा तो कभी भी अपने राज को पाने के लिए प्रयास करेगा, इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। वो देखो रथ में राजा को ले जा रहे, मूर्छित अवस्था में है, तुरंत उसको पकड़ के ले रहे। सैनिक पीछे दौड़े, सारथी ने रथ को बहुत तेजी से दौड़ाया, बहुत तेजी से दौड़ाया। दौड़ते दौड़ते राजा की मूर्छा जागृत हो, राजा चेतन हो। राजा ने कहा भयंकर समय है, इस समय देखें मंत्र क्या कहता है, ताबीज निकालो। और उस ताबीज में से वो कागज जिसमें मंत्र लिखा था खोला। उसमें लिखा था यह भी नहीं रहेगा, समय परिवर्तनशील है, जो भी परिस्थिति है वो स्थायी नहीं है। राजा ने कहा ये भारी संकट आया है, मंत्र कह रहा है कि यह संकट रहने वाला नहीं है। सारथी से कहा रथ रोक दो, मेरे को मंत्र पे चिंतन करने, रथ रोक दो। और वो राजा विचार करने लगा कि यह संकट की घड़ी कैसे टलेगी, प्रयास पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है। मंत्र कहता है कि यह भी नहीं रहेगा, यह संकट का समय नहीं रहने वाला है, यह घड़ी टल जाएगी। सुनिश्चित है उस महापुरुष का दिया हुआ मंत्र मिथ्या नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। और वास्तविक में हुआ ही, जब तक रथ के पहियों की आवाज, घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई दे रही थी तो वो जो शत्रु पक्ष के सैनिक हैं पीछा कर रहे थे, परंतु आवाज आनी बंद हो। अब उनको लगा पता नहीं रथ किधर चला गया, आवाज आनी बंद हो गई। जिस दिशा में वो पीछा कर रहे थे, ताकि अगर रथ उसी दिशा में होता तो सुनिश्चित है कि आवाज आती, पीछे लौटे, दिशा बदल दो। दो तीन दिशाओं में अन्य अन्य भागों में अपनी टुकड़ी को बांट के फिर खोज करो, कोई उधर गया, कोई उधर गया, अनेक अनेक दिशाओं में गए, परंतु जहां रथ खड़ा था वहां कोई नहीं पहुंचा। राजा ने कहा, मंत्र ने काम किया,
प्राण तो बच गए, कोई सैनिक नहीं। मंत्री से कहा, तुम अपने देश में पहुंचो और कोशिश करना अच्छे अवसर के लिए। मैं अकेला वन में, और किसी को ये नहीं कहना कि मैं कहां गया हूं, और तुम्हें मालूम भी नहीं रहेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं अकेला जाऊंगा। राजा रथ से उतरा और अकेला चल दिया। रथ वापिस लौट रहा था, विपक्ष के जो भी शत्रु दल के सैनिक थे मिले, उन्होंने कहा राजा कहां है? कहा हमें नहीं पता राजा कहां गया, हमको अकेला छोड़ के राजा वन में किस दिशा में चला गया है वो हम भी नहीं जानते। अब वो जो शत्रु दल के सैनिक हैं, राजा के पास जाके समाचार दिए कि रथ तो मिल गया, मंत्री भी मिल रहा है, रथ का सारथी भी मिला है, सब मिले, परंतु राजा का कोई पता नहीं लगा, राजा कहां गया। राजा ने, जो आक्रमण करने वाला राजा है, उसने राज पे अधिकार कर लिया अपना, और ये राजा जो है एक सरोवर के तट पे जाके रुका और बहुत श्रमित था, स्नान इत्यादि किया और बैठ के चिंतन करने लगा कि यह भी नहीं रहेगा, ये जो परिस्थिति बनी है वो रहने वाली नहीं है। चिंतन करते 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 उसको, वो तो खाली बैठा है, कुछ जो वन के कोल किरात फील जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने आके देखा कि एक व्यक्ति इस प्रकार से सरोवर के तट पे तालाब के किनारे बैठा हुआ है। उन्होंने भोजन इत्यादि की व्यवस्था की और उसके स्वरूप को देख के कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा, आपके नेतृत्व में हम ये वन में बहुत कष्ट है, संकट है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। और राजा वहां उन आदिवासी भील इत्यादि के बीच में रहने लगा, उन्होंने उनको अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने सबको संगठित करके जिस प्रकार से पांडवों को जो खांडव प्रस्थ मिला था, आपको इतिहास मालूम होगा, जब हस्तिनापुर का राज दो टुकड़ों में बांटा गया तो खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया। खांडव प्रस्थ मतलब पथरीला ऐसा स्थान जहां किसी प्रकार की वनस्पति इत्यादि भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया गया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। उसी प्रकार से इस राजा ने उस खांडव प्रस्थ को, वो जो आदिवासी भीलों का क्षेत्र था, उसको हरा भरा कर दिया। राजा तो राजा ही, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, और
कुछ समय बाद जो राज छोड़ के आया था उसका मंत्री पुनः उस राजा के पास आया और उससे कहा कि महाराज हम बहुत धन लेके आए हैं, आप पुनः सैन्य संगठन करके अपने राज को प्राप्त करें, क्योंकि उस राजा ने उस राज की हालत बहुत बहुत बिगाड़ दी है, तो प्रजा नहीं चाहती है। पुनः राजा ने मंत्री के सहयोग से धन सैनिक पाए, उधर भील आदिवासियों का सहयोग मिला और फिर एक नया सैन्य दल तैयार हुआ और पुनः उसने राज की प्राप्ति की। अब विजय पताका फहराते हुए राजा अपने नगर में प्रवेश कर रहा था। लोग नाना प्रकार से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नाना प्रकार से स्वागत सत्कार हो रहा है, परंतु राजा के मन में वही मंत्र ये भी नहीं रहेगा, ये जो समय आया है ये रहने वाला नहीं। राजा अपने महल में प्रवेश किया, रात्रि में विश्राम के लिए गया, बस कि आज उस मंत्र ने मेरे जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया है, इतना परिवर्तन ला दिया है, ये संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, ये नहीं रहने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली हैं, उस महात्मा के पास पुनः जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए स्थिर क्या है, क्या रहेगा, ये सब तो परिवर्तनशील है, सारा जगत परिवर्तनशील है, परंतु उस महात्मा ने उस तत्व को पाया है जो नित्य है। पुनः उन महात्मा की शरण में और निवेदन किया कि प्रभु आपके मंत्र ने मेरे आदि भौतिक जीवन में तो बहुत कुछ परिवर्तन ला दिया, परंतु मैं चाहता हूं कि वो कौन सा तत्व है जो स्थिर रहने वाला है, जो नित्य है। कहा के राजन, वो तुम्हारा चेतन आत्मा है, वो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है स्वभाव से ही आनंदित है और ये जीव जो है नित्य है, अविनाशी है, और जितना भी परिवर्तनशील जगत है वो तो परिवर्तनशील है ही। कहा कि हम अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो सकते हैं, हम तो इस बाह्य जगत को ही सत्य समझ रहे थे। कहा कि वो जगत जो है वो व्यवहारिक सत्ता के रूप में सत्य है, परंतु पारमार्थिक सत्ता में परमात्मा ही सत्य है और उस परमात्मा के तुम हम सब अंश हैं। हम उस परमात्मा के साम्राज्य में जब तक प्रवेश नहीं करते तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं, और रसांतस्य कुतो सुखम, जिसका चित्त अशांत है, जिसका मन जो है नाना शाखाओं में भटक रहा है, उसको सुख कैसा। ये आप अपने व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रति अनुभव करते, आप सामने कोई भी चिंता आ जाए, समस्याएं आती हैं, सुबह से शाम तक आती रहती हैं, और उसके कारण आपका चित्त उद्विग्न हो जाता है, और जब आपका चित्त उद्विग्न हो जाता है तो आप सुख साधन सब वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं, उनसे आप सुखी नहीं हो पाते। आप कितने ही साधन इकट्ठे कर लो, अगर चित अशांत है, रसांतस्य कुतो सुखम, अशांत चित में
सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, तो चित्त को शांत करना है। हमारे यहां जो धर्म है वो चित्त को शांत करने के लिए, अशांत करने के लिए। लोग धर्म के अनेक अनेक रूप, कोई कहते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म। परंतु देखा जाता है महाराज दशरथ सत्यनिष्ठ होने के लिए माता केकई को जो वचन दिए थे उनका निर्वाह करने के लिए परम सत्य श्री राम का त्याग कर दिया। सत्य ने परम सत्य से हमको दूर कर दिया। महाराज दशरथ के जीवन में घटना घटी है, सब जानते हैं, प्राण जाए बर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल रही है, प्राण चला जाए परंतु वचन नहीं, सत्यनिष्ठ होने के। लक्ष्मण जी को कुछ जिस समय भगवान श्री राम को लेकर सुमंत्र जी वन में पहुंचे तो सुमंत्र जी ने कहा महाराज दशरथ का आदेश है, कि ये जो वन दिखा के चार दिन फिर राम जी को लौटा लाना। लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द बोले, मानस में वो नहीं कहे गए क्योंकि नहीं कहने जैसे थे, अगर कहने जैसे होते तो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जरूर उसको लखन कहे कछ वचन कठोरा, कोई कठोर शब्द। लक्ष्मण जी ने जब ऐसी स्थिति में कठोर शब्द कहे, वहां अगर महाराज दशरथ के लिए कुछ कठोर शब्द कहने थे तो वहां मुंह पे क्यों नहीं कह दिए, परंतु लक्ष्मण जी जो है विचार कर रहे कि महाराज दशरथ सत्य के निर्वाह के लिए प्राण देने को तैयार है, इसलिए सत्य प्रतिज्ञा होने के लिए, सत्य का निर्वाह करने के लिए राम जी को वन में भेज रहे हैं। परंतु जब सुमंत्र जी ने कहा कि चार दिन वन में दिखा के ले आना, तो लक्ष्मण जी को ठेस लगी कि यह सत्य की निष्ठा पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, लौटाने का प्रश्न ही नहीं होना। जो भी, हम तो केवल इतना बताना चाहते थे कि जो सत्य परम सत्य से हमको अलग कर दे वो सत्य धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि परम सत्य परमात्मा श्री राम है। परमात्मा श्री राम से जो भी हमको दूर कर रहा है, जो भी परिस्थितियां जो है वो हमको अलग करती है, तो वो धर्म परमात्मा से अलग करने वाला धर्म धर्म नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हिंसा की बात आती है, अगर हम अहिंसक होके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, ये मुसलमानों ने इतने मंदिर ढा दिए, वो एक उत्तराखंड में रीठा साहिब सिखों का तीर्थ स्थल है, रीठा साहिब, रीठा को मीठा कर दिया गुरु नानक देव जी ने, जो रीठा होता है कड़वा होता है उसको मीठा कर दिया, अभी भी वो फल वहां मिलते हैं, मीठा रीठा हो गया। तो वो रीठा साहिब मतलब बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना, तीर्थ स्थल बना,
तो वहां हम सब बैठे हुए थे, तो एक सरदार जी आए और सरदार जी ने कहा ये श्री राम जन्मभूमि पे हमारी जो अहिंसक प्रवृत्ति है वो काबिज नहीं होने दे रही है, एक मच्छर को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मार सकते, ये कायरता है, भगवान के लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार, बात समझदारी की है। और जब तक वो ढांचा नहीं गिरा तब तक राम मंदिर बनने की संभावना ही नहीं, ढांचा गिराना ही पड़ा। हर एक जगह अहिंसा जो है धर्म नहीं होती है, अगर राष्ट्र को बचाना है, हमारे फौजी जवान जो है कहें नहीं नहीं हिंसा नहीं करनी, ऐसे तो फौज को इसीलिए इतना मदरा पान कराया जाता है कि वो बुद्धि विवेक एक तरफ रख दें, बस आदेश का पालन करें। रावण ने देखा, कुंभकर्ण को जगाया, तो कुंभकर्ण को जब जगाया तो कुंभकर्ण ने कहा भल न कीन्ते निश्चय काम, हे राक्षस राज तुमने अच्छी अब बात नहीं की, जगदम्बा भगवती आदिशक्ति सीता जी का हरण करके आ गया तू। रावण ने देखा इसकी बुद्धि तो बहुत सही है, ये कहीं विभीषण जैसे भगवान के शरणापन्न हो जाए। रावण मांगे कोटि घटर मधुर मही खनेक, रावण ने तुरंत कहा इसके खाने पीने की व्यवस्था करो, नाना प्रकार के मांस और मदिरा जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। हमारे यहां आहार शुद्धि सत्व संशुद्धि, सबसे पहले आहार शुद्धि को महत्व दिया जाता है। हमारे आहार अगर सही नहीं है तो हमारी बुद्धि कभी भी सही नहीं रहेगी। और मही खाई कर मदरा पाना, कुंभकर्ण जो है मांसाहार किया और मदरा पान किया और भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। थोड़ी देर पहले जो कह रहा था, आप जानते हैं हम जो भी भोजन करते हैं उसके द्वारा रस बनता है, रस से जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। मांसाहार इसलिए नहीं करना है कि हिंसा है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा कहते हैं कि प्रकृति ने परमात्मा ने हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आहार बनाए, उनका हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारे लिए कौन सा आहार है। उसके लिए प्रकृति ने भोजन को पचाने वाला एक रस पैदा किया है। आप देखिए अजगर, अजगर साबत जीवित मृग को निगल जाता है, उसका हड्डी मांस का पता नहीं लगता क्योंकि उसके शरीर के अंदर ऐसा रस बनता है जो उस हड्डी को भी गला देता है, नहीं पता लगता। मानव के अंदर कौन सा रस बनता है, जो शाकाहारी प्राणी हैं उनके अंदर कौन सा रस बनता है, उस प्रकार के आहार लेने चाहिए। आपको आश्चर्य होगा गाय और भैंस दोनों शाकाहारी हैं परंतु भोजन पचाने वाला रस दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार का है। और अभी तो और भी विज्ञान ने नए नए शोध कार्य करके हमको मिल्क के विषय में, दूध के विषय में A1 A2 दो प्रकार का दूध, ये जर्सी गाय का दूध A1 शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जो अपनी भारतीय शुद्ध देशी नस्ल की गाय हैं, चाहे गिरी हो चाहे साईवाल हो या अन्य कोई भी, उनके द्वारा A2। तो भोजन पचाने वाला जो रस है वो किस प्रकार का है,
उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा आहार। हम उससे विपरीत, आज विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, परंतु आहार के विषय में उनको पूरे समाज को बताना चाहिए कि हमको कौन सा आहार लेना है जो हमारे मन बुद्धि को, इसीलिए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिथा, जो आयु को बढ़ाने वाले हैं, सतोगुण को बढ़ाने वाले हैं, सुख और प्रीति को विस्तार करने वाले, ऐसे जो आहार हैं वो मानव के लिए सात्विक आहार। ये तामसी आहार राक्षसों के, जो भी हो, तो हम बता रहे थे कि भरत जी ने कहा कि वो सत्य धर्म नहीं हो सकता जो परम सत्य को हमसे दूर कर दे। वो सत्य सत्य नहीं है, वो धर्म नहीं है, अहिंसा दान चार चरण धर्म के कहे जाते हैं, सत्य सोच दया और दान, चार चरण में से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रगट चार पद धर्म के कलिमे एक प्रधान, एन केन बिंदी ने दान करे कल्याण, दान से कल्याण होता है। सही बात, बिल्कुल सही बात, परंतु प्राचीन इतिहास बताते हैं, प्राचीन इतिहास बताते हैं राजा नृग बहुत गायों का दान करते थे, बहुत गाय, और वो गायों के दान में एक गाय झुंड को छोड़ के जिसको दान दिया गया था उस में से वापिस राजा के यहां आ गई। राजा ने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे झुंड के साथ उस गाय को दे दिया। अब वो गाय पहले वाले व्यक्ति के पास पहले गई थी, दूसरे वाले व्यक्ति के पास फिर आई, अब दोनों व्यक्तियों में संघर्ष हुआ। राजा ने मेरे को दी है, उसने कहा नहीं, राजा ने मेरे को दी है, कहा चलो राजा के पास। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखो जब न्याय में विलंब होता है तो न्याय न्याय नहीं होता है। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है, न्याय में बहुत लंबा समय लग जाता है, और जहां कहीं न्याय में विलंब होता है वहां अन्याय हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, कोई भी व्यक्ति जब फरियाद लेके आए, कोई भी उसकी समस्या है, उसका तत्काल समाधान किया, उसके लिए विलंब नहीं करना। तो राजा नृग जो है, जब उसको मालूम पड़ा कि इस प्रकार की घटना घटी है, तो अपने कमरे में से बाहर नहीं आया, कहा ब्राह्मण है नाराज होकर श्राप दे देंगे क्या। और ब्राह्मणों ने कहा कि तू कमरे में इस प्रकार से पड़ा हुआ है, न्याय के लिए बाहर नहीं आ रहा, जा गिरगिट हो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसका उद्धार किया है। ये इतिहास, हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सुखी कर सकता है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्म शील पहीं जाए सुभाए। अगर व्यक्ति धर्मशील है, धार्मिक नहीं का, देखो ख्याल करना,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्मशील पर जाय सुहाय। धर्म का आडंबर, भाई आडंबर बहुत हो सकता है, परंतु धर्मशील होना, जैसे एक व्यक्ति स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी, अध्ययन करने वाले बहुत विद्यार्थी, परंतु अध्ययनशील व्यक्ति कौन होता है? विद्यार्थियों को अध्ययनशील नहीं कहा जाता। अध्ययनशील वह व्यक्ति है जो स्वभाव से ही अध्ययन में उसके